कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। लीजिए, एक प्रश्न आया है भोपाल से। बदबदा रोड करुणाधाम आश्रम प्रांजल सांडली जी का एक प्रश्न है कि अभी वो हमसे, उन्होंने पातंजल योग दर्शन भी पढ़ा है, पंचदशी भी वेदांत का ग्रंथ पढ़ा है, सारे उपनिषद भी उन्होंने पढ़े हैं। वैसे तो वो बहुत स्वयं में भी विद्वान है, फिर भी उनका एक प्रश्न है कि गुरुजी प्रणाम, ये हम लोग जो अभी विद्या पढ़ रहे हैं और यह विद्या शरीर तक ही सीमित रहती है, या हम अगले, अगर हमारा जन्म हुआ तो क्या ये विद्या सहयोगिनी होगी? तो क्या फिर पुनः दूसरे जन्म में इतना फिर परिश्रम करना पड़ेगा कि इतना सब हमने पढ़ लिया तो फिर थोड़े से ही काम हो जाएगा, अधिक विद्या आ जाएगी? ये प्रश्न है। अब आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, धर्म के विषय में भी यही प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति तप करते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं, तो इस जन्म में यदि वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या अगले जन्म में किया गया 50% योग, 50% विद्या, 50% धर्म, क्या फिर अगला जन्म प्राप्त होने पर अब मुक्ति के योग्य तो उतना ज्ञान हुआ नहीं, तो फिर क्या वो सहयोग करेगा? तो 50% तो इस जन्म का हो गया, तो दूसरे जन्म में फिर 50% ही करना पड़ेगा, बाकी तो सब हो जाएगा। हाँ प्रांजल जी, इसको थोड़ी समझने लायक है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने 6वें अध्याय में गीता में यही प्रश्न किया। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, आयति ही श्रद्धयोपेतः, ये उन्होंने 37वें श्लोक में, 6वें अध्याय के 37वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति हो और योग करता रहा हो, विद्या पढ़ रहा हो, जप तप कर रहा हो, धर्माचरण कर रहा हो, श्रद्धा तो है उसमें, लेकिन आयति ही उसने प्रयास बंद कर दिया है, अब वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसने 10 वर्ष तक योग किया या जप तप किया या धर्माचरण किया, तो फिर उसका क्या हुआ? अयोगाचलित मानसा, और योग करते करते उसका मन भी विचलित हो गया, योग को त्याग कर दिया, लेकिन श्रद्धा उपेता, श्रद्धा तो आज भी है योग में, लेकिन किसी कारणवश उसने योग करना बंद कर दिया, जप करना बंद कर दिया, विद्या पढ़ना बंद कर दिया, और अप्राप्य योग संसिद्धिम, वो जो योग कर रहा था उसकी सिद्धि अर्थात उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ, तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, वो किस गति को प्राप्त होगा? फिर से समझ लीजिए, अर्जुन ने प्रश्न किया है कि किसी कोई व्यक्ति योग कर रहा है और योग सिद्धि पूर्ण नहीं हुई, अर्थात योग का फल पूर्ण नहीं हुआ, 100% योग नहीं कर पाया और योग से विचलित तो हो गया, और आयति अब योग कर भी नहीं रहा है, अर्थात जो विद्या पढ़ रहा था वो विद्या नहीं कर रहा है, जो धर्म कर रहा था वो अब धर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आज भी उसको श्रद्धा है, तो श्रद्धा मात्र होने से जितना उसने किया है क्या उसका कोई फल है? काम गतिम कृष्ण गच्छति, प्रश्न ये है कि क्या उतने से गति हो जाएगी, कुछ अच्छा हो जाएगा, या उतना कुछ ही काम का नहीं रहेगा? जो आपने इतने दिनों तक मान लीजिए बड़ा नियम संयम किया है और अब नहीं कर रहे हैं, तो क्या उतने से कुछ फल मिलेगा? ये वो भी चला गया जो किया कराया था। तो भगवान से यही प्रश्न अर्जुन ने 6वें अध्याय के 37वें श्लोक में किया। अब देखिए 40वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन,
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। अर्जुन, कर्म का विनाश नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष पहले कोई दुष्कर्म किया है और पाप किया है तो इसका अर्थ यह थोड़ी कि फिर उसके बाद उसने कभी कुछ पाप नहीं किया तो उस पाप का फल नहीं मिलेगा। उसका भी फल मिलेगा, भले उसने दुष्कर्म करना बंद कर दिया हो। इसी प्रकार से हे अर्जुन, हे पार्थ, तस्य विनाशः न विद्यते। जिसने जितना धर्माचरण कर लिया है, जिसने जितना उपवास व्रत तपस्या कर ली है, उसका विनाश नहीं होता। वो उतना क्या होता है, बोले वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसने करना बंद कर दिया, यही ना। लेकिन श्रद्धा तो है, करना ही बंद कर दिया है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, हे तात, कल्याण कृत, कल्याण कर, आत्म कल्याण के लिए किया गया थोड़ा भी सत्कर्म हो, फिर उसने कभी आगे करना बंद कर दिया हो, तो अभी उसकी दुर्गति नहीं होती है। समझ गए आप धर्म का कितना बड़ा मतलब फल कहना चाहिए, कि यदि आपने 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष जितना भी धर्माचरण किया है वो नष्ट नहीं होगा। दूसरी बात, वो क्या करेगा, वो आपका फिक्स हो जाएगा, अर्थात वह स्थिर हो जाएगा, फिर उससे जन्म होगा। तो क्या जन्म होगा, उन्होंने कहा उससे या तो पुण्य अच्छे, जिस पुण्य से जो लोक प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा उसको, और उन लोकों को प्राप्त कर लेगा तो बढ़िया भोग भोगेगा, अथवा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। 41वें श्लोक में कहा भगवान ने। अच्छा देखिए, इसका मतलब ये निकला, भगवान कह रहे हैं कि जिसने धर्म का आचरण किया है उस व्यक्ति के कभी दुर्गति नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, यदि जन्म होगा तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, धनवान के घर में जन्म होगा और पवित्र घर में जन्म होगा। इसका मतलब है कि अच्छे कुल में जन्म लेना और ना लेना, ये तो आपके हाथ में हुआ ना। तो धर्म करने वाले, योग सिद्धि करने वाले व्यक्ति यदि पूर्णता में प्राप्त नहीं हुए और बंद भी कर दिया हो, नहीं अब कर रहे हो, तो शुचि नाम, शुचि माने पवित्र, श्रीमताम, धनवानों के घर में उनका जन्म होगा। तो आप अभी करिए धर्म का आचरण, आप पवित्रता रखिए, आप जितने दिनों तक पवित्रता रख सकेंगे, जितने विद्या अध्ययन कर सकेंगे, जितना पढ़ सकेंगे, जितनी विद्या ग्रहण कर सकेंगे, वो पुण्य आपका एकत्रित होगा। यदि जन्म भी होगा तो दरिद्र नहीं होंगे आप, अच्छे पवित्र घर में जन्म होगा, ये उसका फल है। दूसरी बात, श्रीमताम गेहे, धनवान के घर में जन्म होगा। अब दरिद्र के घर में जन्म होगा तो जन्म से ही मजदूरी करने में लग जाएगा, फिर कैसे योग करेगा, वो कैसे तपस्या करेगा। इसलिए धनवान के घर में जन्म होगा, फिर क्या होगा, बोले इससे भी बड़ी बात हो सकती है, यदि बहुत वर्षों तक आपने बहुत अच्छे से हृदय से मन लगा करके तपस्या की होगी, जब तप व्रत उपवास धर्माचरण किया होगा, तो अथवा योगिना में वो 42वां श्लोक, अथवा योगिना में वो कुले भवति धीमताम। तो कोई ऐसे गृहस्थ होंगे, पति पत्नी जो योगी होंगे, गृहस्थ में भी योगी होंगे, उन गृहस्थों के यहां आप उनके पुत्र बन करके पहुंच जाएंगे। जब आप ही पुत्र बन गए तो आपके पिता तो योगी होंगे ना, तो आप पूर्व जन्म का, इस जन्म का आप जब योग सिद्धि करके चलेंगे, इतना योग तो आप कर ही चुके हैं, और किसी योगी के घर में जब आपका जन्म होगा तो आपके पिता योगी होंगे, तो आपको संयोग मिल गया ना योग का, तो आप जो जितने प्रतिशत में कर चुके होंगे उसके आगे का संयोग मिल गया। 43वां श्लोक देखिए, तत्र तम बुद्धि योगम लभते पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिकम, आपके पूर्व जन्म के देह में, अर्थात इस जन्म के देह में जो होगा
वह बुद्धि योग आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो पूर्व का अभ्यास होगा, इस जन्म का अभ्यास होगा, इस जन्म का अभ्यास आपको अगले जन्म में अभ्यस्त अभ्यास के साथ हो जाएगा। जब वो प्रयास करने लगेगा, जब किसी योगी का संयोग मिल जाएगा, वह ज्ञान योग मिल जाएगा, तो हुआ तो क्या हो जाएगा, बोली योगी संशुद्ध किल विषाह, उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्मों से एक जैसा करता चला आएगा तो परागति को प्राप्त हो गया। इस प्रसंग से ये ज्ञात होता है कि आप इस जन्म में जो धर्म का आचरण कर रहे हैं उससे आपको पवित्र कुल में जन्म मिल जाएगा, और यदि आप अधर्म का आचरण कर रहे हैं तो नीच योनि में जन्म मिल जाएगा, अर्थात आपका इस जन्म का किया हुआ अच्छा अगले जन्म में मिलेगा, और फिर ऐसे घर में जन्म मिलेगा, ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा, पवित्र घर में जन्म मिलेगा, योगी के घर में जन्म मिलेगा, और ये कक्षा आगे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे अनेक जन्म का मतलब ये है कि आप और तीव्र गति से यदि आप विद्या प्राप्त करेंगे, बुद्धि प्राप्त करेंगे, तो मुक्ति भी भगवान प्रदान कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।